डेढ़ बजे पहुंच गया, 5:15 की फ़्लाइट है, इंडिगो की मेरी फ़्लाइट है फिलहाल, और ज़्यादा रश तो नहीं है। आई डोंट नो बाकी जगह कैसा रहता है, आप जल्दी आ गया यार काफ़ी। अब ये जो देख रहे हो आप, मैंने इंडिगो में चेक इन करना है और मेरी जो टिकट है वो है Super 6E, तो मेरा कुछ प्रायोरिटी चेक इन है और मैं यहाँ से जाऊँगा। ये आप देख रहे हो फास्ट फॉरवर्ड, इससे अपन ने चेक इन करना है, तो ये इस टिकट का एक फ़ायदा है। हालांकि ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट इतनी थी, बैगेज एक्स्ट्रा लेना पड़ा था अपने को। चलो जी चेक इन करें फिर लाउंज में घुसते हैं। पहुंच गए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट। अब मैं यार डोमेस्टिक से इंटरनेशनल की तरफ जाऊंगा, अभी तक मेरा काफ़ी अच्छा रहा यार। मैं तो 8 बजे आ गया बैंगलोर और इसका कैथे पैसिफिक का तो काउंटर ही नहीं खुला है। अब कह रहे हैं कि ये कुछ 11 बजे खुलेगा। जेल हो गई यार ये तो मेरे लिए बहुत तगड़ी वाली। बिना चेक इन के मैं अंदर भी नहीं जा सकता, कुछ खा भी नहीं सकता। मेरे पास लाउंज एक्सेस की भी अवेलेबिलिटी थी, वो भी नहीं हो पाएगी। भाई इतना भी जल्दी मत आओ कभी ज़िंदगी में, बाहर ही अटक जाओ। मैं काउंटर के आगे पीछे घूम रहा हूँ। तो जी सुबह के बज रहे हैं अभी 1 और हम जा रहे हैं अपने कैथे पैसिफिक के गेट की तरफ बोर्ड करने के लिए। सिक्योरिटी में बहुत पंगे हुए यार, ड्रोन को लेके क्वेश्चंस। आई एम श्योर इनको पता रहता है कि ड्रोन की बैटरीज और क्या क्या हमें कैरी करना है, बट स्टिल जबरदस्ती की क्वेश्चनिंग। बट इट वॉज चलो हो गया जैसे तैसे। आई हैव गॉट सो लेट। बस बैगेज का बहुत मेटिकुलस पंगा है, आई विल शेयर दैट पंगा, वो बहुत सही टिप होगी। अभी तो बस भाग रहे हैं अपनी फ्लाइट बोर्ड कर लें एक बार। ये जो सीट सारी है ये है प्रीमियम बिजनेस क्लास। यहाँ पे देखोगे आप बहुत अल्ट्रा लग्जरी रहता है, काफ़ी स्पेस रहता है। और ये मिस्टर एरिक है, इनसे मैं आपको मिलवाऊंगा बहुत जल्दी। तो दिस इज आई थिंक दी सेकंड क्लास दैट वी हैव, बिकॉज यहाँ पे लेग रूम बहुत रहता है। सामान हम लोगों ने यहीं पे रख दिया है। सो वंस यू एंटर यू विल हैव टू वेयर दिस मास्क, दिस हैज बीन गिवन बाय द एयरलाइंस। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ। काफ़ी प्रीमियम नेस है कैथे पैसिफिक की फ्लाइट में, हांगकांग में मिलता है। थैंक यू। हांगकांग पहुंच गए, हांगकांग। हेलो कम यार। हां ओके, पास ऑन मॉनिटर, पास ऑफ, पास ऑफ, पास ऑफ, ओके सॉरी, प्लीज वी मूव द मास्क। ओके थैंक यू। थैंक यू। अब जी हांगकांग के एयरपोर्ट पे तो हम लोग लैंड कर गए हैं, लेकिन यार इतना बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पे एक बंदा नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। मतलब ऐसा लग रहा है कि अकेले पड़ गए हैं दुनिया में, खाली पड़ा है पूरा एयरपोर्ट, सारी शॉप्स बंद हैं। मैंने किसी बंदे को पूछा यहाँ पे जो कि लोकल मेंटेनेंस का था, उसको मैंने बोला भैया ये बंद क्यों है, वो कह रहा है जी ये यहाँ पे COVID-19 का चक्कर है तो इस वजह से इन्होंने बंद कर रखा। और मास्क पहनना मैंडेटरी है, वो तो मैं भी मैंने उतारा हुआ है बिकॉज सांस ही नहीं आ रही तब से इसको पहन के घूम रहा था मैं। कॉफ़ी चाय कुछ नहीं मिल रही है, बस पानी वानी मिल रहा है यहाँ पे, तो ये एक थोड़ी सी समस्या हो गई है। अदर खाने वाने का जरा जुगाड़ ढूंढ रहे हैं हम लोग, जाएँ किधर, सभी कुछ बंद है। बेटर रहता है कुछ ऐसी चीज़ें कैरी करें जिससे कि हम लोगों को कुछ खाने को मिल जाए टेम्परेरी बेसिस पे। तो जी पहुंच गए हम लोग ऑकलैंड फाइनली। अपनी हांगकांग से हमने फ़्लाइट बोर्ड करी थी और अभी तो मौसम काफ़ी साफ है। आई जस्ट होप आगे भी अच्छा चलता रहे। अभी मेरे को यहाँ से कैब करनी है, एरिक से मैं आपको मिलवाऊंगा। और फिलहाल के लिए प्लान ये है कि यहाँ के वाईफाई से कैब वैब बुक करेंगे। मैंने Airbnb बुक कराया है 11 दिन के लिए, सो उनसे भी बातचीत चल रही है, उन्होंने भी चेक इन का तरीका बता दिया है। ये तो अपना ड्यूटी फ्री है। अब जी जब आप लैंड करते हो ना न्यूजीलैंड में एज अ पैसेंजर या एज अ टूरिस्ट, आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है न्यूजीलैंड पैसेंजर अराइवल कार्ड। यू हैव टू डिक्लेयर थिंग्स वट एवर यू आर कैरिंग, और इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होती है। तो ये मेरे को अभी डिक्लेयर करना पड़ेगा मैं क्या क्या सामान ला रहा हूँ और क्या क्या करूँगा, कब तक रुकूँगा, उसको भरते हैं। यार दिवाली पे लिया था ये मैंने, थोड़ा लग गया यार इस पे। चलो जी टैक्सी बुक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक्चुअली जो एरिक को रिसीव करने आए हैं वही मुझे कह रहे हैं कि वो ड्रॉप कर देंगे Airbnb तक। यार देने तो अच्छा जा रहा है क्योंकि मेरे को कस्टम में भी कुछ सामान जो था वो पकड़ा गया था, छोड़ दिया उन्होंने।
So they've said that you're a student, so we are allowing this for the first and the last time. So I'm quite happy. A lot of things happening. Good time se pahunch gaye hain. Ab main seedha jata hu unke saath apne Airbnb pe, and I'll share how was my experience out there. Chalo, New Zealand ghume. पहुंच गए हैं भाई Airbnb पे, लेकिन अभी कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे. क्या मौसम है यार, साफ हवा. मिला कोई? डेविड इज द गाय. चेक इन तो मैंने कर लिया है, कोई था ही नहीं घर के अंदर. मैं सीधा ही घुस गया, मेरे को जो रूम दिया है, वैसे वो रूम दिखाने लायक नहीं है क्योंकि वो आज का रूम जो है मेरा वो फ्री है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री उसने मेरे को प्रोवाइड किया है Airbnb के ओनर ने. एक्चुअली मेरा टेन्योर कल से स्टार्ट होता है फॉर 11 डेज, तो आपको मैं कल से दिखाऊंगा रूम कैसा है. सो अभी तक ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. मैं भी बहुत थक गया हूँ, सोऊंगा फ्रेश होकर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए. मेरा नाम है मनीष रावत. आई विल सी यू वेरी सून.